सृष्टि का वर्णन। सूत जी कहने लगे, अदृश्य जो शिव है वह दृश्य प्रपंच का मूल है। इससे शिव को अलिंग कहते हैं और अव्यक्त प्रकृति को लिंग कहा गया है। इसलिए यह दृश्य जगत भी शैव यानी शिव स्वरूप है। प्रधान और प्रकृति को ही उत्मोलिंग कहते हैं। वह गंध वर्ण रसहीन है तथा शब्द स्पर्श रूप आदि से रहित है, परंतु शिव अगुणी ध्रुव और अक्षय हैं। उनमें गंध रस वर्ण तथा शब्द स्पर्श आदि लक्षण हैं। जगत आदि कारण पंचभूत स्थूल और सूक्ष्म शरीर जगत का स्वरूप सभी अलिंग शिव से ही उत्पन्न होता है। यह संसार पहले 7 प्रकार से 8 प्रकार से और 11 प्रकार से उत्पन्न होता है। यह सभी अलिंग शिव की माया से व्याप्त हैं। सर्व प्रधान तीनों देवता शिव रूप ही हैं। उनमें वे एक स्वरूप से उत्पत्ति, दूसरे से पालन तथा तीसरे से संहार करते हैं। अतः उनको शिव का ही स्वरूप जानना चाहिए। यथार्थ में कहा जाए तो ब्रह्म रूप ही जगत है और अलिंग स्वरूप स्वयं इसके बीज बोने वाले हैं तथा वही परमेश्वर हैं। क्योंकि योनि और बीज तो निर्जीव हैं, यानी व्यर्थ हैं, किंतु शिवजी ही इसके असली बीज हैं। बीज और योनि में आत्मा रूप शिव ही हैं। स्वभाव से ही परमात्मा है, वही मुनि वही ब्रह्मा तथा नित्य बुद्ध हैं, वही विशुद्ध हैं। पुराणों में उन्हें शिव कहा गया है। हे ब्राह्मणों, शिव के द्वारा देखी गई प्रकृति शैवी है। वे प्रकृति रचना आदि में सतोगुण आदि गुणों से युक्त होती है। वह पहले से तो अव्यक्त है। अव्यक्त से लेकर पृथ्वी तक सब उसी का स्वरूप बताया गया है। विश्व को धारण करने वाली जो यह प्रकृति है वह सब शिव की माया है। उसी माया को अजा कहते हैं। उसके लाल सफेद तथा काले स्वरूप कर्मशय रज सत तथा तमोगुण की बहुत सी रचनाएं हैं। संसार को पैदा करने वाली इस माया को सेवन करते हुए मनुष्य इसमें फंस जाते हैं तथा अन्य इस मुक्त भोग माया को त्याग देते हैं। यह अजा शिव के अधीन है। सर की इच्छा से परमात्मा अव्यक्त में प्रवेश करता है। उससे महत तत्व की सृष्टि होती है। उससे त्रिगुण अहंकार जिसमें रजोगुण की विशेषता है उत्पन्न होता है। अहंकार से तन्मात्रा उत्पन्न हुई। इनमें सबसे पहले शब्द, शब्द से आकाश, आकाश से स्पर्श तन्मात्रा तथा स्पर्श से वायु, वायु से रूप तन्मात्रा, रूप से तेज, अग्नि से रस तन्मात्रा की उत्पत्ति, उससे जल, फिर गंध और गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। हे ब्राह्मणों, पृथ्वी में शब्द स्पर्श आदि 5 गुण हैं तथा जल आदि में एक एक गुण कम है। अर्थात जल में 4 गुण है, अग्नि में 3 गुण है, वायु में 2 गुण और आकाश में केवल एक ही गुण है। तन्मात्रा से ही पंचभूतों की उत्पत्ति को जानना चाहिए। सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्री 5 कर्मेन्द्री तथा उभ्यात्मक मन की उत्पत्ति हुई। महत से लेकर पृथ्वी तक सभी तत्वों का एक अंड बन गया। उसमें जल के बबूले के समान पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। वह भी भगवान रुद्र है तथा रुद्र ही भगवान विष्णु है। उसी अंड के भीतर ही सभी लोक और यह विश्व है। यह अंड 10 गुने जल से घिरा हुआ है, जल 10 गुने वायु से, वायु 10 गुने आकाश से घिरा हुआ है। आकाश से घिरी हुई वायु अहंकार से शब्द पैदा करती है। आकाश महत तत्व से तथा महत तत्व प्रधान से व्याप्त है। अंड के साथ आवरण बताए गए हैं। इसकी आत्मा कमलासन ब्रह्मा है। कोटि कोटि संख्या से युक्त कोटि कोटि ब्रह्मांड और उसमें चतुर्मुख ब्रह्मा हरि तथा रुद्र अलग अलग बताए गए हैं। प्रधान तत्व माया से रचे गए हैं। ये सभी शिव की सन्निधि में प्राप्त होते हैं, इसीलिए इन्हें आदि और अंत वाला कहा गया है। रचना पालन और नाश के कर्ता महेश्वर शिवजी ही हैं। सृष्टि की रचना में वे रजोगुण से युक्त ब्रह्मा कहलाते हैं, पालन करने में सतोगुण से युक्त विष्णु तथा नाश करने में तमोगुण से युक्त काल रुद्र होते हैं। अतः क्रम से तीनों रूप शिव के ही हैं। वे ही प्रथम प्राणियों के कर्ता हैं, फिर पालन करने वाले भी वही हैं और पुनः संहार करते हैं।
इसलिए महेश्वर देव ही ब्रह्मा के भी स्वामी हैं। हे ब्राह्मणों, वही शिव विष्णु रूप है, वही ब्रह्मा है। ब्रह्मा के बनाए इस ब्रह्मांड में जितने लोक हैं, ये सब परम पुरुष से अधिष्ठित हैं, तथा ये सभी प्रकृति से रचे गए हैं। अतः यह प्रथम कही गई रचना परमात्मा शिव की अबुद्धि पूर्वक रचना शुभ है।